الله الرحمن الرحيم। ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। इरशाद खुदावंदी है कि मेरे हबीब मुबारक तो मेरे उन बंदों को, मेरे उन हर एक को मुबारक ने, मुबारक तो मेरे उन बंदों को जो बात हर एक की गौर से सुनते हैं लेकिन पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे अफजल। मैं आजकल सारे पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं, इंशाल्लाह मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। मेरे हबीब मुबारक तो मेरे उन बंदों को, सारे बंदे मुबारक के मुस्तहक नहीं है, मुबारक के मुस्तहक हैं वो बंदे जो बात हर एक की गौर से सुनते हैं लेकिन पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे अफजल। लजीद हताहुमुल्लाह, मैं अल्लाह ऐसे बंदों को हिदायत करता हूँ। मैंने हर एक हिदायत का ठीका नहीं लिया, मैं हिदायत उसको करूंगा जो अफजल की पैरवी करे। और साहबान अकल भी वो है। मैं क्या था कल और एक जुमला कह कर आगे चल रहा हूँ, कम अज कम इतना तो पता चला इस आयत से। मैं फिर एक अगर कर दूं कल जो नहीं थे उनके लिए गुजार कर दूं कि कुरान सारे कहते हैं कुरान को मानते हैं, माफ करना मेरा दोस्तों, शैतान भी खुदा को मानता है, ईसाई भी ईसा को मानते हैं, कादियानी भी रसूल को मानते हैं। तो फिर क्या है, पता चला शैतान खुदा की जात को मानता है, बात को नहीं मानता। पता चला जो जात को मानकर बात को न माने, जिस तरह हक है उन्होंने नहीं माना, इस तरह काजान ने जिस तरह रसूल को मानने का हक था नहीं माना। आज भी जो दिना कर रही है कि वो काफर है, हम अली को मानते हैं, हम क्या मानते हैं पहले मुझे बताओ तो मानते क्या हो। ये जो शिया है फला को नहीं मानते, क्या माने। मैं आपसे पूछा आप अली को क्या मानते हैं, आप हमसे पूछते फला को नहीं मानते, हम क्या माने, क्या माने। अली को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और हम सहाबे क्योंकि इसी आयत में अदल है, अदल है। मेरे हबीब उन बंदू को मुबारक दो जो बात हर एक की सुनते हैं लेकिन पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे अफजल हो। मैं ऐसे बंदू को हिदायत करता हूँ क्योंकि वो साहबान अकल है। पता चला तो सबको जैसा समझे वो अकल अकलमंद नहीं है, वो बेअकल है। मैंने गलत किया था, कहां से बेतकल शुरू हो रही है। देखिए लफ्ज़ अदल है, दुनिया में 72 मजाहब में अशिया मजहब में यही शर्त है कि तमाम मुसलमानों के जो है उसूल दीन तीन, अदल नहीं तौहीद नबुवत कयामत, ये 72 के उसूल दीन है। तौहीद नबुवत कयामत, वाहिद फिरका है शिया जिसके 5 उसूल दीन है, तौहीद अदल नबुवत इमामत कयामत। तो बात तो वाजे हो गई कि 72 मजहब में शिया मजहब में फर्क है 5 और 3 का। कुरान की तरफ पर मौला अली की तरफ, मौला अली से किसी ने पूछा ना जुमला जुमला है, मौला अली से किसी ने पूछा मौला अदल का है, आपने समझ जो चीज जिस जगह पे रखने के लायक हो उसको वहां रखना अदल, जो चीज जिस रखने के जगह के लायक हो उसको रहा रखना या बिठाना, ये अदल है। सवाल दूसरा सवाल क्या बोला, फिर जुल्म किसे कहते हैं। आपने फरमाया मैंने जुमला कहा तो दिया, आपने
فرمایا کہ میں نے بیان کر تو دیا. سوال نے سوال کیا, مولا میں نہیں سمجھا. کہا جب عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے, اب ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا ظلم. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. جہاں جا میں دیکھیں قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں, مثال دے کر پھر آگے چل رہا ہوں. قلبهم صدقہ وقلبهم باسط ذرائع بالبصیر, اور ان کا کتا اصحاب کیف کا کتا اپنی بھائیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, تھا نہیں ہے. اور مومنین کا کتا اصحاب کیف کا کتا, جو قرآن کی صورت کا آپ کہتے ہیں, وہ باسط قلبهم ان کا کتا مومنین کا کتا. کتا بے واس نہیں ہے, مومن کا کتا ہو. قلب اور مومنین کا کتا اپنی بھائیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, دروازے پر. میں نے جملہ کہا دیا, شاید میں نہیں سمجھا, پھر سنے گا. قلب باس ذرائع بالبصیر, اور ان کا کتا مومنین کا کتا. کتا بے وارث نہیں ہے. تمام مسلمان, تمام جتنے 73 فرقے قائل ہیں, مفسر نے لکھا, تفسیروں میں لکھا کہ یہ کتا جنتی ہے. تو کتے کا کام کیا جنت میں؟ مسلمانوں سے بھی جو کتے کا کام جنت میں, تو کہا یہ مومن کا کتا ہے. تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں ہے. ارے جو مومنین کا کتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا, ہم تو علی علیہ السلام امیر المومنین کے در کے کتے ہیں. بھائیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, تھا نہیں ہے. پتا چلا آج بھی کتا زندہ. دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا. ارے مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کو بھی زندہ سمجھتا ہے. اگر مسلمان ماننے پر آئے تو کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی زندہ, کتے کو بھی اتنی شناس ہے کہ مالکوں کے ساتھ نہ بیٹھے. خدا